अगर आप सी टी द ब्रह्मास्त्र बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं या जीएस ज्वाइन करना चाहते हैं या फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं एस एस सी एक्जाम्स के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अन अकेडमी की ऐप इंस्टॉल करिए की ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको एस एस सी एग्जाम कैटेगरी चूज करना है उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन करने के बाद रेफरल कोड की जगह आपको पीएम वाई टी कोड अप्लाई करना है जैसे कि आप पीएम वाई टी कोड अप्लाई कर देंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा हेलो गाइज कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में होंगे सेफ होंगे और अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो प्रिकॉशंस है जो भी रूल्स है उनको फॉलो कर रहे होंगे आज के सेशन में हम करने वाले हैं एस एस सी सीरियल प्री में जो फिलर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर देना पीडीएफ एंड नोटिफिकेशन के लिए अनकेडमी एस एस एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बताओ क्या होना चाहिए वी मस्ट डैश हेल्प टू दी होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल बताओ भाई क्या होना चाहिए जहां तक हेल्प की बात है हेल्प के लिए एक्सपर्ट डोनेट कंट्रीब्यूट नहीं रेंडर वर्ड करेक्ट रहेगा ठीक है नेक्स्ट देखो इट इज एन डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस दो वर्ड्स आपको क्लोजली रिलेटेड दिखे उन्हीं में से आंसर होगा मोस्टली हां जी देखो ऑडेसियस होगा फुल ऑफ ओडेसिटी बोल्ड ओमिनस होता है आपका थ्रेटनिंग ठीक है ऑस्पिशियस होता है समृद्ध दिस इज द करेक्ट आंसर ओकेजनल कभी कभार नेक्स्ट देखो द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर डैश क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली क्या होगा भाई बताओ द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर क्लासेस हां जी इसका होगा रिस्पेक्टफुल नहीं रिस्पेक्टेबल नहीं रिस्पेक्टिव क्लासेस ठीक है रिस्पेक्टिव ऐसे बोला जाता है ना आपने मैथ्स के क्वेश्चंस में भी देखा होगा ए एंड बी एफिशिएंसी टू एंड थ्री रिस्पेक्टिवली यानी कि ए की टू बी की थ्री तो रिस्पेक्टिव मतलब इनकी जो अपनी अपनी क्लासेस होती हैं उसी में फोर्थ देखो शी डैश ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट क्या होना चाहिए हां जी इसका होगा बताओ भी क्या होना चाहिए यहां पे बस आपको ध्यान देना है इस ऑन पे ऑफर्डे सजेस्टेड रिक्वेस्टेड नहीं दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो द ग्रूम स्टूड बिफोर द डैश फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च हाँ जी ऑल्टर होगा चेंज ठीक है अल्टार दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो टूडेज ग्रेजुएट शुड डैश देयर स्किल्स कॉन्स्टेंटली टू बी एबल टू एक्सेल इन देयर करियर एंड लाइफ क्या होना चाहिए हां जी बताओ जरा एनकरेज अपग्रेड डाइल्यूट या एक्टिव ऑब्वियसली बात है स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो द पॉपुलर लीडर इज रिमार्केबल फॉर द वे इन विच ही डैश द क्वालिटीज ऑफ अ गुड पॉलिटिशियन एंड अ वर्ल्ड क्लास थिंकर क्या होगा दो ऑप्शंस में मेनली आपको कंफ्यूजन होने वाला है हाँ जी तो देखो शोज एंड पोर्ट्रेट अब पोर्ट्रेट हो तो सकता है लेकिन यहां पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए बात खत्म दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हां जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा इस वर्ड को किस स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट डेमोक्रेटिक नहीं यूनिफाइड नहीं बैकवर्ड नहीं डिपेंडेंट स्टेट के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल नाइन्थ क्वेश्चन देखो माय कजन स्टडी ऑन द रीडिंग हैबिट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन अक्रॉस थ्री स्टेट्स हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ डैश पीस ऑफ रिसर्च प्राउड पीस यूजलेस negligent. देखो नेग्लिजेंट की अगर बात की जाए तो ये होता है केयरलेस इन ड्यूटी स्पेसिफिकली ड्यूटी की ही बात होगी और उसमें केयरलेसनेस की ही बात होगी तो ऑब्वियसली बात है कुछ पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए तो ये दो तो नहीं आ सकते हैं हाँ जी इसका होगा पाइनियरिंग जो शुरुआत करता है उसको बोला जाता है पाइनियरिंग ठीक है द स्पीकर डैश द ऑडियंस विद दिस फाइन स्पीच बताओ भाई हाँ जी स्पीच फाइन है इसका मतलब क्या इंप्रेस्ड डिप्रेस्ड या सप्रेस तो नहीं होगा सिंपल सी बात है पॉजिटिव वर्ड ही आना चाहिए नेक्स्ट देखो ब्यूटिफुल रेड रोज इज डैश द्राइट्स हेयर हाँ जी बताओ भी क्या होगा ब्यूटीफुल रेड रोज इज डैश ब्राइट्स हेयर क्या आना चाहिए एडजर्न का मतलब तो स्थगित करना होगा एडॉन्ट विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है डेकोरेटेड ठीक है अल्योर करना फंसा लेना टाइप्स अट्रैक्ट करना सिंपल मीनिंग अट्रैक्शन थर्ड देखो There are dash errors in your assignment. There are dash errors in your assignment. Assignment. Batao bhi. Abundant, sufficient, multifold, numerous. Numerous. This is the correct answer. Next, dekho, fourth question. There is a dash growth of flowers in tropical countries. There is a dash growth of flowers in tropical countries. Pious, पवित्र होता है रिलीजन के सेंस में यूज किया जाता है प्लेंटी बहुतायत में लेकिन ग्रोथ के लिए तो नहीं luxuriant. This दिस इज द करेक्ट आंसर ठीक है फिफ्थ देखो द मिनिस्टर गेव एन डैश दैट स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट कल्प्रिट्स हाँ जी क्या क्या आना चाहिए एंड एम्बिशन नहीं इंश्योरेंस नहीं अश्योरेंस करेक्ट रहेगा दिस इज दी करेक्ट आंसर सिक्स देखो शी वॉज लव्ड बाई हर एम्प्लॉयज फॉर हर पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए हाँ जी बेनिविलेंस इज द करेक्ट आंसर दिस इज द करेक्ट आंसर मेलविलेंस होता है दूसरों के लिए बुरा विश करना ठीक है नेक्स्ट देखो द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश देयर टीचर टीचर जी द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होगा अब बिहेवियर अगर अनरूली तो कंफर्ट कैसे हो सकते हैं काम कैसे हो सकते हैं प्लीज कैसे होंगे इरिटेटेड इज दी करेक्ट आंसर आप चाहे तो इजीली ऑड वन आउट कर सकते हो बाकी सारे आपके पॉजिटिव वर्ड्स हैं इरिटेटेड नेगेटिव वर्ड है एट क्वेश्चन देखना द रेकलेस यंग मैन वॉज डैश फॉर द डेट्स इनकर्ड हिम ध्यान देना फॉर पे जी वॉज लाइबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर हां जी ओडेशियस होता है आपका फुल ऑफ ओडेसिटी बोल्ड सस्पिशियस फुल ऑफ सस्पेशियन नेक्स्ट देखो हैव यू डैश फॉर द जॉब इन दिस कंपनी हैव यू डैश फॉर द जॉब इन दिस कंपनी हाँ जी आंसर होगा अप्लाइड दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो द पुअर मैन वॉज डैश एंट्री टू द रेस्ट्रॉ द पुअर मैन वॉज डैश एंट्री टू द रेस्ट्रॉम अब इसका आंसर गलत मार्क किया गया है आंसर कीज में डिल्यूट होता है आपका किसी स्टेटमेंट को बिलीव करना जो कि सही नहीं है डिइड लैकिंग ठीक है डिनाइड विल बी द करेक्ट आंसर ये होगा करेक्ट आंसर द पुअर मैन वॉज डिनाइड एंट्री टू द रेस्टोरेंट दिस विल बी द करेक्ट आंसर हां जी ये थे आपके टेन क्वेश्चन अगर आप सी टी द ब्रह्मास्त्र बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं या जी एस गुरूज ज्वाइन करना चाहते हैं या फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं एस एस सी एज्जाम्स के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अकेडमी की ऐप इंस्टॉल करिए अनकेडमी की ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको एस एस सी एग्जाम्स कैटेगरी चूज करना है उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन करने के बाद रेफरल कोड की जगह आपको पी एम वाई टी कोड अप्लाई करना है जैसे कि आप पीएम वाई टी कोड अप्लाई कर देंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा